अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? अच्छा, तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको इसकी तमाम डिटेल बताई थी कि कौन कौन सी सीड्स आई है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और कहाँ से अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा, इसके बारे में तमाम डिटेल जो है वो आज हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर इनका ऐड दिखा देता हूँ कि ये ऐड था, इसकी तमाम डिटेल जो है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी है। तो आज हम करेंगे इसके अप्लाई करने का तरीका, देखेंगे कि अप्लाई कैसे होगा, कौन सी वेबसाइट है, कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर वेबसाइट ओपन कर लेंगे, NJP नेशनल जॉब पोर्टल। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी एक। यहाँ पर आप देखिए जो सबसे पहले आ रहा है नेशनल जॉब पोर्टल, हम इसको ओपन कर लेते हैं। पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल ताकि आप तक हर तरह की अपडेट जो है वो बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पर देखें वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, वेलकम टू नेशनल जॉब्स पोर्टल। तो यहाँ पर हमें तमाम किस्म की जो पोस्ट हैं उनकी डिटेल भी और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया जाएगा, कौन कौन सी सीट्स और इसके लिए क्या रिक्वायर है, तमाम डिटेल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग रहेगी तो आपको बताता हूँ नेक्स्ट कैसे अप्लाई करना है आप लोगों ने। देखिए यहाँ पर ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर नीचे अगर आएँ तो नीचे यहाँ पर तमाम डिटेल जो है वो दी हुई है, कौन कौन से स्केल पर कितनी सीट्स हैं वो भी बता दी गई हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी और भी सीट हैं जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे ऊपर यहाँ पर साइन अप लिखा हुआ है और लॉगिन लिखा हुआ है। अगर आपका अकाउंट पहले ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने लॉगिन करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आप किस तरह करेंगे। हम साइन अप करते हैं और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर देखें ये फॉर्म ओपन हो चुका है साइन अप का। तो यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, मैं यहाँ पर मेरी आईडी पहले बनी हुई है, मैं रैंडम आपको लिख के एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ईमेल एड्रेस भी लिख दिया, आईडी कार्ड नंबर भी लिख दिया और यहाँ पर पासवर्ड जो है वो आपने 10 करेक्टर का लगाना है कि 10 इनसे होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसी तरह पासवर्ड लगाना है, लेकिन आपने पासवर्ड अपनी मर्जी से लगाना है, आपने यही कॉपी नहीं करना। कि मैं आपको सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने किस तरह पासवर्ड लगाना है। पहला हरफ जो है वो आप कैपिटल लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पर पासवर्ड हमने लगाया है इसी तरह रीटाइप यहाँ पर कर देंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने रीटाइप कर दिया और यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक मेल वसूल होगी, उस मेल में एक वेरिफिकेशन कोड होगा, वो वेरिफिकेशन कोड इधर लगाएंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो क्लिक करता हूँ और मैं अपने अकाउंट को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें मेरा CA शहजाद हुसैन 9@gmail.com, इस पर मेरा ईमेल जो अब बना हुआ है, पहले ऑलरेडी अकाउंट है
तो मैं यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लगाता हूँ, फिर तो यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। मेरी आईडी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड जो है वो शो होगा। मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, प्रोफाइल मुकम्मल है 100%, आपकी यहाँ पर जीरो आ रही होगी। आपने मुकम्मल प्रोफाइल पहले क्रिएट करनी है और उसके बाद जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पहले बनी हुई है और मैंने कुछ सीट्स पर पहले भी अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सीट्स पर पहले अप्लाई जो है वो है, 15 जो सीट्स पर जो है मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ जो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो यहाँ पर आप सीवी मैनेजर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह पोर्टल ओपन होगा। यहाँ से आपने एडिट के बटन पर क्लिक करना है और जितनी भी डिटेल जो है वो आपकी वो आपने इंटर करते जाना है, लिखते जाना है और नेक्स्ट जाते जाना है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आ गई, यहाँ पर एड्रेस आ गया, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आ गया, जॉब वर्क आ गया, स्किल जो है वो आपने ऐड कर देने हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऐड कर देनी है, लैंग्वेज जो है वो ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% होनी चाहिए। जैसे ही आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% हो जाएगी तो आपने दोबारा यहाँ पर होम का बटन जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम पहले वाले डैशबोर्ड पर आ गए, वेलकम टू नेशनल जॉब पोर्टल। तो यहाँ पर हमारी आईडी जो है वो ओपन है, लॉग आउट नहीं हुई, यहाँ पर हमारी आईडी ओपन है। तो यहाँ पर हम जो है एड को ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ हम किस सीट पर अप्लाई कर रहे हैं जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं किसी भी सीट पर, यहाँ पर ये स्टेनोटिप्स है, मैंने FSC ऐड की हुई है, डेटा एंट्री ऑपरेटर पर मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक सीट पर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, ऑफिस बॉय पर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें PPS2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं पोर्टल पर जाता हूँ और यहाँ से मैं PPS2 ये इसको क्लिक करूँगा और जितनी भी PPS2 पर सीट्स होंगी वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। इलेक्ट्रिशियन की है, ड्राइवर की है और ऑफिस बॉय की है। ऑफिस बॉय पर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसी डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर देखिए मिनिमम आपने CV जो कंप्लीट है वो 65% है हमारे जो है वो 100% कंप्लीट है। एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर नहीं है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो एज लिमिट भी उन्होंने बताई हुई है, हमारी जो एज है वो 24 साल और 10 मंथ बनती है। तो यहाँ पर टेस्ट सिटी सिलेक्शन है, टेस्ट की सिटी जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को टिक कर देना है और यू आर एलिजिबल क्लिक टू अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन जो है सबमिशन होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर देखें कंग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली बीन सबमिटेड। हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे और दोबारा यहाँ पर डैशबोर्ड या जॉब एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी तमाम जो सीट्स हैं जिन पर अप्लाई आपने किया है वो आ जाएंगी। तो जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पर देखें लेटेस्ट जॉब एप्लीकेशन, यहाँ पर सबसे पहले पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर शो हो रही थी। तो आप देखें ऑफिस बॉय जिस पर हमने अभी अप्लाई किया है 12 नवंबर को, ये 2:48 पर, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर उन्होंने दे दिया है। तो यहाँ से तमाम किस्म की सीट जो है वो देख सकते हैं। तो हमारा जो अप्लाई है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ से आप व्यू पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को रीड कर सकते हैं दोबारा से, और अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी गलत इंटर हो गई है तो आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करके यूज़र प्रोफाइल के पे यहाँ पर क्लिक करके या CV मैनेजर पर क्लिक करके आप दोबारा उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अप्लाई करने में कोई भी दुश्वारी महसूस नहीं होगी। तो
तो ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट जो है वो बआसानी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।